मैंने रिसेंटली अपने ऑफिस के लिए एक न्यू एसी ऑर्डर किया है जो कि एक 3 स्टार का 1-टन एसी है, और इतना ही नहीं साथ ही ये एक इन्वर्टर एसी है। वैसे इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस पहले ही अलग वीडियो में बता चुका हूँ, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आई बटन में मिल जाएगा। फिलहाल हम अनबॉक्सिंग करेंगे लॉयड के 1-टन एसी का जो कि एक हेवल्स का ब्रांड है और इसका मॉडल नंबर है ये, और हम इसका आफ्टर यूज़ रिव्यू भी करेंगे। तो अगर आप आफ्टर यूज़ रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि मैंने इस एसी को क्यों कंसीडर किया है और क्या क्या बेस्ट फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। ये है हमारा इंडोर यूनिट और ये है आउटडोर यूनिट और ये है हमारा स्टैंड। जैसे स्टैंड का हो सकता है कि शायद ज़रूरत ना पड़े, पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे लगवा सकते हैं। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए 10 ईयर्स की इसमें वारंटी है, 100% कॉपर यूज किया गया है। जैसा कि मैं अपने पहली वीडियोस में बता चुका हूँ कि कॉपर इज बेस्ट। R32 गैस है, स्टेबलाइजर फ्री है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि स्टेबलाइजर फ्री है, आपको अलग से स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे अच्छा फीचर जो कि मुझे लगा वो है 4 स्मार्ट वे स्विंग। इसका बेनिफिट होगा कि चारों ही तरफ स्विंग कर पाएगा, चारों ही तरफ एयर डिलीवरी कर पाएगा, जबकि मोस्टली एसीज 2 तरफ ही एयर डिलीवरी करते हैं। और ये 52 डिग्री सेल्सियस तक भी रूम को कूल कर देगा। वैसे ये तो नॉर्मली सभी एसीज में बोलते हैं। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर PM2.5 फिल्टर यूज़ किया गया है। वाईफाई रेडी का भी सपोर्ट है, आप इसे वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक स्मार्ट फीचर इस एसी में दिया गया है, मैंने यूं ही इस एसी को बेस नहीं कहा था। गोल्डन फिन कंडेंसर भी ऐड किया गया है और ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट, इन एंटीवायरल फिल्टर इसमें ऐड किया गया है। जैसा कि अभी आपको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है तो थोड़ा वायरस से भी प्रोटेक्शन हो जाएगा। चलिए अब हमारी आउटडोर यूनिट को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। ये थोड़ा यूनिक सा डिज़ाइन है कंपेयर टू अदर एसीज, थोड़ी क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ पर लॉयड की ब्रांडिंग है, ये एक 3 स्टार एसी है और ये है इसका मॉडल। पावर सप्लाई यहाँ पर 230 वोल्ट की रिक्वायर्ड रहेगी, 50 हर्ट्ज पर ये रन करेगा। और इसके अलावा कूलिंग कैपेसिटी है 3520 अगर आप इसे 100% पावर के साथ यूज़ करते हैं, और 760 रहेगी 50% पावर पर यूज़ करने पर। पावर कंजप्शन रहेगा नॉर्मली 100% पर यूज़ करने पर 1 किलोवाट, और अगर आप 50% पर यूज़ करते हैं तो लगभग उसका आधा हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर ये पूरा कॉपर कंडेंसर दिया गया है। गाइस वैसे पहले भी अपनी वीडियो बता चुका हूँ, कॉपर कंडेंस मोर बेस्ट कंपेयर टू एल्यूमिनियम। यहाँ पर पूरा कॉपर दिया है, कॉपर की वजह काफ़ी ड्यूरेबल हो जाए, और क्योंकि ये इन्वर्टर है, साथ ही क्योंकि इन्वर्टर एसी और भी ड्यूरेबल हो गई है। अब हम पहले इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को फिट करवा लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी कूलिंग कैसी रहेगी और फिर आपको बताते हैं। सो गाइस फाइनली ये एसी हमने इंस्टॉल करवा ली है और इसके जो पाइप्स वगैरह हैं ये वॉल के ऊपर ही है, क्योंकि हमने वॉल पहले ही तैयार करवा ली थी, तो ये एक छोटी सी मिस्टेक पहले ही हो चुकी है। अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो जो एसी के पाइप्स वगैरह होते हैं इनको आप पहले ही अंदर करवा लीजिएगा, नहीं तो थोड़े बुरे से लगेंगे। ये है एसी बॉक्स और इसके अलावा ये जो रेड है ये 4 mm का वायर आ रहा है। इसके अलावा ये एसी का वायर है जो कि हमने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, और ये है वाटर ड्रेनिंग पंप जो कि नीचे की तरफ यहाँ नाले में फिट है। पर मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जब आप अगर एसी इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, आपको पहले से ये आइडिया है कि आप एसी इंस्टॉल करवा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप
जब आप वॉल अपनी तैयार करवाएं तो इसके लिए पहले से ही जगह रखें ताकि ये इस तरह से बाहर निकलता हुआ नहीं दिखे। अगर फ्यूचर में कभी मैं पेंट करवाऊंगा तो दीवार के अंदर ही मैं इसको फिट करवा लूंगा, इन सभी वायर्स को और ये जो ड्रेनिंग पंप है इन सभी को मैं वॉल के अंदर फिट करवा के और उसके ऊपर से पेंट करवा लूंगा। इससे आपका रूम का लुक काफ़ी अच्छा रहेगा। ओनली आपकी ये जो इंडोर एसी है सिर्फ यही बाहर रहेगी। चलिए अब मैं इसे ऑन करके देखता हूँ। परफेक्टली ऑन हो रही है। अभी इसका कंप्रेसर स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फैन ऑन हो चुका है, इसकी आवाज़ भी शायद आपको आ रही होगी। मोड की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी सारे मोड्स हैं, जैसे कि टर्बो मोड है। अगर आपको कंप्रेसर को जल्दी से ऑन करना है, जैसे कि नॉर्मली ये 2 से 3 मिनट लेता है कंप्रेसर ऑन होने में, तो आप टर्बो मोड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ैन की आप यहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हैं, ये देखिए, या फ़ैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस माइनस, और इसमें 4-वे स्विंग है तो यहाँ से आप स्विंग कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा माई मोड का फीचर है, स्लीप मोड है, ऑक्स हीट है, टाइमर सेटिंग है, ब्लो का ऑप्शन है, टाइमर ऑफ का सेटिंग है, और हेल्थ के लिए भी यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है, लाइट का ऑप्शन दिया गया है। लाइट का ऑप्शन आप जब यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम लाइट पर क्लिक करेंगे तो इसका जो जिस डिग्री पर ये चल रहा है वो सामने आ जाएगा। और अगर आपको इसे छुपाना है तो आप लाइट के बटन को वापस से ऑन करेंगे। जैसे ही आप लाइट का बटन दबाएंगे तो इस तरह से आपको डिस्प्ले शो हो जाएगी, और जैसे ही लाइट के बटन को वापस से प्रेस करेंगे तो वो छुप जाएगी। चलिए अब थोड़ी देर रुकते हैं और देखते हैं कि इसकी कूलिंग कैसी होती है। वैसे मैं इसको पहले जब मैंने इसे इंस्टॉल करवाया था, जब मैंने चेक किया था, पर मैं अभी दोबारा आपको चेक करके दिखा देता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये मोड, मोड का फीचर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे कि ये फूल जैसा सा कुछ यहाँ पर ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब ये आपको जब यूज़ करना है जब आप एसी को गर्मी में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मोड चेंज करते हैं तो जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे वाटर ड्रॉप्स आ जाएगी। इसका मतलब है कि आप इसे ह्यूमिडिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप इसे बारिश के मौसम में यूज़ कर रहे हैं। तो बारिश का मौसम अगर है तो आपको इस मोड पर यूज़ करना है। और ये है ओनली फ़ैन, इसका मतलब है कि अब कूलिंग नहीं होगी, ओनली फ़ैन काम करेगा। और इसके बाद ये है हीटर, तो ये हीटर तो इस एसी में नहीं है, तो ये फीचर तो हमारे किसी काम का है नहीं। इसके अलावा ये आ जाता है ऑटो मोड। ऑटो मोड में आपका जो रूम का टेम्परेचर होगा ये ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट करके और अपने हिसाब से एसी रन करेगा। चलिए ये अभी हमने 15-20 मिनट से ऑन की हुई है। कूलिंग की अगर मैं बात करूँ तो कूलिंग काफ़ी अच्छी है। इसे मैंने अभी फिक्स मोड पर किया हुआ है। आप चाहे तो इसे इस तरह से स्विंग करवा सकते हैं, ये अप एंड डाउन स्विंग करेगी। और ये अंदर है, ये आप अगर देख पा रहे हैं, ये देखिए अंदर भी ब्लेड्स हैं, तो ये राइट एंड लेफ्ट स्विंग करेगी। 10-15 मिनट में ही काफ़ी अच्छी कूलिंग लग रही है, जबकि मैंने इसे यूज़ किया है 24 डिग्री सेल्सियस पर। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो 100% कॉपर है, 4-वे एयर स्विंग है, स्टेबलाइज़र फ्री है, यहाँ पर आपका काफ़ी खर्चा बच जाता है स्टेबलाइज़र का, वाईफाई रेडी का सपोर्ट है, बहुत ही अच्छा फीचर है, गोल्डन फिन कंडेंसर है जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था, एंटीवायरल फिल्टर है, तो फीचर्स के मामले में काफ़ी अच्छा है। और अगर बात करें कूलिंग की तो कूलिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है। रूम का टेम्परेचर काफ़ी कम हो चुका है। ओवरऑल आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, अच्छा एसी है, ये 110 का एसी है, आपको इससे ज़्यादा में भी मिल जाएगा, आप अपने रूम के हिसाब से देख लीजिएगा। मुझे मेरे ऑफिस के हिसाब से 110 इनफ है।
प्राइस ओवरऑल अच्छा एसी है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ महीने बाद हम आपको इसका आफ्टर यूज़ रिव्यू भी देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक वीडियो पहुंच जाए। और हम आपको उसमें बताएंगे कि इस एसी को कुछ महीने बाद यूज़ करने पर क्या रिस्पॉन्स रहता है, कहीं कोई ख़राबी आती है या नहीं, और हमारा इसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहता है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओवरऑल अगर मैं आपको सजेशन दूँ तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसकी प्राइस जो कि मैंने परचेज़ की वो है 29,000 रुपीज़। बिल का फ़ोटो मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ। ओवरऑल मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। आप भी इसे कंसीडर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, ओवरऑल हमने अनबॉक्सिंग की, इंस्टॉलेशन करवाया, टेस्टिंग की, और अभी तक इस एसी ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया। बाकी हम एक आफ्टर यूज़ रिव्यू करेंगे जिसमें कि मैं आपको इस एसी के साथ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और हम इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। आफ्टर यूज़ रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। और हाँ, इसका इंस्टॉलेशन चार्ज मुझे अलग से देना पड़ा है। इसके अलावा 4 फीट का उन्होंने अलग से वायर लगाया था, उसके भी उन्होंने कुछ पैसे जोड़े हैं, और कॉपर वायर भी 1 फीट एक्स्ट्रा लगाया था, उसके इन्होंने मुझसे 240 पर फिट के हिसाब से चार्ज किया है, और ये चार्जेस आपको भी देने होंगे। तो आप कोशिश करिए कि आपकी जो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट है इनका जो गैप है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि कंपनी की तरफ से सिर्फ 10 फीट का वायर ही आता है। 10 फीट से अगर ज़्यादा होता है तो फिर आपको 240, 250, 220 इतना चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है पर फिट के हिसाब से। तो इस हिसाब से इंस्टॉलेशन के टाइम मुझे करीब 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़े हैं, और 29,000 रुपीज़ का मुझे एसी मिला जिसमें कि स्टैंड भी एड है, अदरवाइज़ 500 रुपीज़ स्टैंड के भी अलग से होते हैं। और इसी के साथ मुझे एसी बॉक्स लगवाना पड़ा, 4 mm की वायरिंग करवाई, तो इन सब में भी करीब 1500 रुपये खर्च हो गए। तो ये सब मिला के मुझे इस एसी की कॉस्ट आई है समथिंग 32,000 रुपीज़।